चैप्टर का नाम है बच्चों, नया चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर के नाम से पहले कुछ चीजें हम लोग क्लियर कर लें। थर्मल, थर्म मतलब यहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में लगभग हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैटर मतलब एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना। तो इसी के बारे में लोग स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में पूरा का पूरा फोकस होगा हीट वगैरह और टेम्परेचर वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला वर्ड ही आता है हीट। व्हाट इज हीट? हीट जैसे हमारे पास लाइट एक एनर्जी है, तो हीट भी एक क्या है? एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। देखो तो हीट और टेम्परेचर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हीट और टेम्परेचर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा अंतर है। टेम्परेचर क्या बोलता है, हीट पहले क्या है? हीट है, हीट से हमें यह पता चलता है कोई बॉडी ठंडा है या गर्म, वो कहलाता है हीट, ठीक है। लेकिन कितना ठंडा है या कितना गर्म है वो कौन बताएगा? टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर। कितना ज्यादा गर्म है या कितना ज्यादा ठंडा है वो कौन बताएगा? टेम्परेचर। और गर्म है कि ठंडा है ये कौन बताता है? समझ में आ गया? चलो फटाफट लिखना भी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी विच गिव्स अस द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। नोट में अगर ये एनर्जी है तो बच्चों इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। तो होगा इट्स एसआई यूनिट इज जूल। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? हम जानते थे यही गलती करते हैं आप लोग। इट्स सीजीएस यूनिट इज कैलोरी, है ना। आप लोग अलग अलग समझते हैं सारे एनर्जी का, कैलोरी। और वन कैलोरी इक्वल टू बच्चों होता है 4.186 जूल, 4.186 जूल वन कैलोरी इक्वल। कभी आप दौड़ते होंगे तो कैलोरी बर्न होती है, हीट बर्न होती है, आपके बॉडी से हीट निकलती है ना, कैलोरी बर्न हो रही है, यही होता है कैलोरी। बात समझ आ रहा? जितना कैलोरी बर्न हुआ उतने में आप इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना जूल का हीट आप बाहर निकाले हो, एग्जिट किए हो, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों हम क्या? हीट। क्लियर हुआ? वीडियो वाले बच्चों नोट कर लो फटाफट। नोट में पहला पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज जूल, इट्स सीजीएस यूनिट इज कैलोरी, एंड वन कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, या इसको 4.2 भी बोलते हैं जूल, ठीक है। 4.2 या इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.2 भी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग टेम्परेचर, हेडिंग नंबर सेकेंड टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। और कितना ज्यादा कोई गर्म है बॉडी या कितना ज्यादा ठंडा है वो कौन बताता है? टेम्परेचर। अब इसका नोट में इसकी पॉइंट लिखिएगा, इट्स एसआई यूनिट इज
सेल्सियस केल्विन, इस ऐसा यूनिट इज केल्विन, सेल्सियस अपना बताओ कि हम बताएं, आप पढ़ा लो इधर, इट्स ऐसा यूनिट इज केल्विन, हो गया। चलिए तो ये दो इस पूरे चैप्टर में बार बार ये वर्ड आएगा, हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। तो हीट का मतलब कोई बॉडी कितना गर्म, सॉरी गर्म है कि नहीं, गर्म है कि ठंडा है उसको बोलते हैं हीट, और कितना गर्म है वो कौन बताएगा, टेम्परेचर। अब इसमें आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, इसको जानने से पहले एक बार हम चलते हैं अकबर के दरबार में, बिरबल की खिचड़ी का कहानी सुनते हैं, है ना। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। एक बार क्या होता है कि एक अकबर के साम्राज्य में एक इंसान रहता है, वो कहता है अकबर के दरबार के सामने एक ठंडी नदी थी, खूब ठंडा पानी उसमें होता था, और वो इंसान जाके कहता है कि हम आपके इस नदी में पूरा रात गुजार सकते हैं, इस पानी में खड़े होकर के हम पूरी रात गुजार सकते हैं, इतनी ठंडी पानी में, बर्फीली ठंडी पानी में। तो अकबर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते, कहता नहीं हम करके दिखाएंगे। तो वो इंसान क्या होता है, रात सुबह से स्टार्ट करता है खड़ा होना, रात भर हो जाता है, अगले दिन बीतता है, दो दिन तक उसी पानी में खड़ा रह जाता है। दो दिन बाद अकबर उसको अपने दरबार में बुलाता है, उसको खूब इनाम उनाम देता है, कहता अरे ये इंसान तो गजब का है भाई, इसके अंदर टेम्परेचर सहने की क्षमता है, और उसको इनाम उनाम बड़ा बढ़िया देता है। तो वो क्या कहता है, फिर राजा पूछता है, अकबर पूछता है उस इंसान से कि अब कैसे खड़े रह गए इतनी ठंडे पानी में, जिसमें हाथ लगाना बड़ा ठंडा लगता है, पूरी रात खड़े रह गए। तो वो इंसान कहता है कि हम आपकी जो महल से जो रोशनी आ रही थी उसकी गर्माहट की वजह से हम पानी में खड़े हो गए। तो अकबर कहा ठीक है, इसका सोना चांदी सब वापस ले लो, ये बेमानी किया है, हमारे हीट के, हमारे महल का जो हीट था उसके वजह से ये खड़ा हुआ, उसी हीट को पा करके खड़ा हुआ, हम लोग को बेवकूफ बनाया है, इसको कारागार में डाल दो, फांसी दे दो, ये वो तमाम उसके ऊपर इल्जाम लगने लगे। ये बात बीरबल जी भी बैठे कोने में देख रहे थे, बीरबल को अच्छा नहीं लगा कि भाई अकबर जी इतना महान शासक इतना गंदा काम कर रहे हैं। तब बीरबल ने क्या कहा, अगले दिन वो छुट्टी ले ली, दरबार में आए नहीं। और आप सबको पता है बीरबल जो थे अकबर के नौ रत्नों में एक सबसे ऊपर थे, सबसे बेहतरीन माने जाते थे, बुद्धि बहुत बुद्धिमान माने जाते थे। अगले दिन जब उन्होंने छुट्टी ले लिया तो अकबर भेजे उनको कि जाओ पता लगा के आओ ये बीरबल आज क्यों नहीं आए दरबार में। तो एक सैनिक गया अकबर बीरबल के यहाँ, बीरबल से बोला आप क्यों नहीं आए, तो बताया कि भाई हम खिचड़ी बना रहे, जाकर राजा से बोल देना हम खिचड़ी बना रहे। तो आया सैनिक आकर के दरबार, बोला महाराज बीरबल जी तो खिचड़ी बना रहे इस वजह से आज नहीं आए। फिर अगले दिन फिर बीरबल नहीं आया, अगले दिन फिर बीरबल नहीं आया, तो फिर राजा भेजा एक सैनिक को, भाई पता लगा क्या फिर आज क्यों नहीं आए, आज क्या बात है। तो फिर सैनिक गया उनके घर पे, बोला कि अभी तक, बीरबल से बोला आप क्यों नहीं आया, तो बीरबल बताया कि बोल दो कि अभी तक खिचड़ी मेरी बनी नहीं है, जब खिचड़ी बनेगा तब हम आ जाएंगे। ऐसे ही करते करते तीन दिन चार दिन बीत गया, अकबर को एकदम अब गुस्सा आने लगा, ऐसी कौन सी खिचड़ी है बीरबल भाई बना रहे जो अभी तक बना नहीं, तीन से चार दिन हो गया, बड़ा गुस्सा आया। ठीक है तो अकबर कहे ठीक अब हम ही चलते हैं, देखते हैं कौन सा खिचड़ी बनाए। तो बीरबल ने क्या किए थे, बीरबल जी किए थे कहते हैं एक बहुत बड़ा हंडा लिए थे, बहुत बड़ा हंडा ऐसे, इसमें पूरा भर दिए थे दाल चावल पानी, और नीचे एक ढिबरी जलाए थे, क्या जलाए थे, हाँ बहुत छोटा सा आग दिए हुए थे। बात समझिएगा मेरी बात, जो मैं बात बताने जा रहा हूं। अब अकबर को देख के गुस्सा आया, कहा कि मूर्ख है क्या, इतने बड़े आप बेहतरीन हमारे नौ रत्नों में है, और आप बताइए इतना बड़ा हंडा पे इतनी छोटी सी आग लगा के आप खिचड़ी बना रहे, बनेगा अभी तक, ऐसे बन ही नहीं सकता है।
इसके लिए तो ज्यादा आग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा आग होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तभी वो खिचड़ी बनेगा। तनी सी आग में थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा काम का वर्क होगा। तो वही बात बीरबल ने उनको समझाया कि सर ये बताइए महाराज कि ये जो हमारे खिचड़ी इतनी बड़ी आग से नहीं बन सकती, तो वो इंसान आपकी महल से आते हुए छोटी सी रोशनी, छोटी सी हीट से पूरा रात खड़ा हो गया, वो कैसे खड़ा रह सकता। राजा को, अकबर को अपने बात पर थोड़ा सा सोचना पड़ा। अरे हाँ बिरबल तो बहुत बढ़िया बात बोला, बहुत बढ़िया सीख दिया। फिर से राजा ने उस इंसान को अपने दरबार में बुलाया और क्या कहा, उसने कहा लो भाई इनाम, बिरबल की, बिरबल ने हमें हमारी आंखें खोल दी, है ना। तो जो बिरबल की कहानी थी उसको जूल्स लॉ ने बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से फॉलो किया। जूल्स लॉ ने क्या बोला, जितना ज्यादा आप हीट देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वर्क डन। बिरबल ने थोड़ा सा हीट दिया तो वर्क भी कैसा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा। अब उतना खिचड़ी पकने के लिए समय ज्यादा लगता है कि नहीं। तो इसी बात को बिरबल जी ने बताया और जूस ने इसको फॉलो किया। ऐसा जरूरी नहीं कि जूस ने ऐसा फॉलो किया, मींस कॉन्सेप्ट दोनों का क्या है, सेम है। जैसे हम W प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं जूल्स कांस्टेंट। जी बात समझ में आ गई कि जितना ज्यादा हम हीट देंगे उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, वर्क डन होगा। क्लियर हो गया, ये कौन कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप भी अगर घर पे खाना बनाते होगे तो नीचे आग अगर थोड़ा सा देते हो तो देखते हो पकने में थोड़ा समय लगता है ना, और अगर आग बहुत जल्दी दे देते हो तो भले ही जल फल जाता है उसमें लेकिन पक जाता है जल्दी, होता है ना ऐसा। इट मींस जितना ज्यादा आप हीट देंगे उतना ज्यादा वर्क डन, ठीक है। तो लिखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इतनी बड़ी कहानी सुना है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अपने आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग the work done is directly proportional to the work done is directly proportional to amount of heat given to the system is directly proportional to the amount of heat given to the system हो गया। फॉर्मूला लिख लीजिएगा ये पूरा, नोट में चाहे तो आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, जे की वैल्यू कितनी होती है नोट में। पहला पॉइंट वन, ये जे जूल्स लॉ, जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 4.186 जूल्स पर कैलोरी। अगर अर्ग में इसको देखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं। आपको पता है, जल्दी बताओ बच्चों, 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग। तो आप इस जूल की जगह अर्ग अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 4.186 इंटू 10^7 अर्ग पर कैलोरी। फटाफट नोट कर लो सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही वर्क है ये जी, क्यू जी, थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी कैन स्टडी अबाउट टेम्परेचर, जहां पर हम लोग टेम्परेचर के बारे में या टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में स्टडी करते हैं, जिस फिजिक्स के ब्रांच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री, ठीक है। व्हाट इज थर्मोमेट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी कैन स्टडी अबाउट द टेम्परेचर और देयर इंटर कन्वर्जन। लिख लो थर्मोमेट्री, THER MOMETRY,
थर्मोमेट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों आप लोग? थर्मोमीटर, थर्मामीटर नहीं होता, थर्मोमीटर। हमको पता था कुछ होंगे थर्मामीटर वाले, थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? ये हमारे पास थर्मोमीटर दो टाइप्स के, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? ऐसा थर्मोमीटर जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता हो, हम लोग यूज करते हैं थर्मोमीटर, मुंह लगा चेक करते हैं। दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये ऐसा थर्मोमीटर होता है जो कि हम लोग लैब वगैरह में यूज करते हैं, बड़े बड़े ट्यूब टाइप का होता है, देखा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आजकल एक तीसरा थर्मोमीटर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर, देखा होगा थर्मल स्कैनर आता है, ऐसे सामने से दूर से लगाओ स्कैन कर लेते हैं कितना आपके बॉडी का टेम्परेचर, वो भी एक तरीके का थर्मोमीटर है, उसको बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। आजकल फिर से वो वापस यूज होने वाला है क्योंकि कोरोना इज बैक, लेट्स प्रिपेयर योरसेल्फ एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। पहले से ही प्रिकॉशन रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए, पब्लिक डिस्टेंस बनाइए, एक दूसरे से दूर रहिए, टिफिन उफिन मत खाइए एक दूसरे का, इस सब का सबसे बड़ा ध्यान रखिए। तो अब हम डिफरेंट टाइप के स्केल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल, ये पहले समझना है उसके बाद आपको लिखना है, ये नहीं कि पहले ही छापने के चक्कर में पड़ जाओ। ये सपोज करो हमारे पास एक थर्मोमीटर है, ये देखा ऐसा थर्मोमीटर, यस नो, वीडियो वाले बच्चों बोलो थर्मोमीटर देखा सबने? वेरी गुड। तो ये हमारे पास एक थर्मोमीटर है, अब समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो मैं पहले बता रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग परेशान रहेंगे। मैं डॉटेड लाइन से बना लेता हूं एक स्केल, बेटा बात नहीं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स के बारे में बात करेंगे, इनमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? फ्रीज होता है, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? बॉयल होता है, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आ रही है? ये हो गया आपके पास किसके लिए? सेल्सियस स्केल के लिए। समझने का प्रयास करिएगा, समझ में नहीं आएगा मैं वैसे भी बता रहा हूं, थोड़ा भी लापरवाही करेंगे कुछ नहीं समझ में आने वाला आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास सेल्सियस स्केल, ठीक। अब मैं इसी को करता हूं। अब सेल्सियस स्केल का मिनिमम वैल्यू कितना होता बच्चों? मिनिमम वैल्यू, सबसे कम कितना टेम्परेचर को मेजर कर सकता है? सबसे कम ये मेजर, ऐसे हम डॉटेड लाइन से बना लेंगे, समझने का प्रयास करिए प्लीज, बात नहीं। सबसे कम वो मेजर करेगा माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस को मेजर करेगा, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेल्सियस स्केल, जिसका 100 डिग्री सेल्सियस था आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और
जीरो डिग्री सेल्सियस इसका क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ आ गई। दूसरा स्केल लेते हैं, इसको हम बोलेंगे केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। शायद आपको पता होगा फ्रिज कब होगा, 273.15 केल्विन पर फ्रिज होगा, और 373.15 केल्विन पर ये क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। इसका जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, इसका भी जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, मैं बना लेता हूं, इसको डॉटेड लाइन कर लेते हैं। इसका जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है माइनस का 459.5 फारेनहाइट, सॉरी केल्विन में तो जीरो केल्विन, केल्विन में सिर्फ होगा जीरो केल्विन, मतलब सबसे कम कितना मेजर कर सकता है, जीरो केल्विन तक मेजर कर सकता है, ठीक है। थर्ड स्केल आता है फारेनहाइट स्केल, टेम्परेचर इन फारेनहाइट, टीएफ। ये कौन सा स्केल था, सेल्सियस स्केल। ये कौन सा स्केल था, केल्विन स्केल। ये कौन सा स्केल है, फारेनहाइट, FahrenheitE. अब फारेनहाइट स्केल मतलब टेम्परेचर इन फारेनहाइट, कितने डिग्री फारेनहाइट पर फ्रिज हो जाता है, 32 फारेनहाइट। कितने डिग्री पे फ्रिज होने लगता है, 212 फारेनहाइट। इसकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है देख लेते हैं, कलर इनका चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, समझ में आया इसकी। माइनस का 459.5, माइनस का 459.5 फारेनहाइट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स आप पढ़ रहे हैं। एक और स्केल होता है जो कि बहुत कम यूज होता है, उसको बोलते हैं रिमर स्केल। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं, कोई और लिख लेता हूं, इसका कलर मैं ले लेता हूं व्हाइट ही ले लेता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिमर स्केल, REUMER, रिमर स्केल, TR। कितने रिमर पर फ्रिज हो जाएगा, जीरो रिमर पर, ठीक है। कितने रिमर पर बॉयल होने लगेगा, 80 रिमर पर। अब जाके ज्यादा आपको रिमर स्केल तक नहीं पढ़ना, आपको बस ये तीन याद रखना है, सेल्सियस, केल्विन एंड फारेनहाइट। अब एक चीज आपको दिखाई देगा, कितना डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखोगे बच्चों यहां पर आएगा कहीं ना कहीं माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, और ये जो फारेनहाइट पर आएगा माइनस का 40 फारेनहाइट। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये कैसे हुए अभी हम आपको करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आता है जीके में बहुत बार आया, केबीसी में भी आया, कितना डिग्री सेल्सियस कितना फारेनहाइट के बराबर होता है। तो माइनस का 40 फारेनहाइट माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, कैसे हुआ अभी वो मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है फारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, या फारेनहाइट में गिवन है केल्विन में कन्वर्ट करना है, या केल्विन में गिवन है फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या किसी को किसी में कन्वर्ट करना हो, कैसे कन्वर्जन भी करेंगे वो भी मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। कन्वर्जन कैसे करते हैं यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिख लो टेम्परेचर स्केल और ये बना लो बढ़िया से सभी लोग। अब बच्चों हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन देखेंगे, एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है एग्जाम में, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं तरीका बताता हूं वो रटने की जरूरत है। तरीका ये होता है टेम्परेचर जो भी होगा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, ये तरीका याद रखो। जैसे हम बोले टेम्परेचर इन केल्विन या टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस बॉइलिंग पॉइंट, कितना होता है डिग्री सेल्सियस में,
डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बॉयल फ्रीजिंग पहले कितना होता है, फ्रीजिंग जीरो, तो जीरो क्योंकि फ्रीजिंग था, फिर बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, बॉइलिंग कितना होता है 100 माइनस जीरो, बात समझ में आ गई। ये किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस फ्रीजिंग कितना है 273.15 अपॉन में, देखो इसका फ्रीजिंग कितना है, बॉइलिंग कितना है, बॉइलिंग 373.15 माइनस का 273.15, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल टू टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट बात करें माइनस कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट 32 अपॉन में बॉइलिंग कितना है उसका, देखो 212 माइनस फ्रीजिंग कितना है 32 इक्वल टू टेम्परेचर इन रूमर टीआर कितना है जीरो अपॉन में 80 माइनस जीरो। अब देखो जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, ये हो जाएगा टी सी अपॉन में 100 इक्वल टू, ये हो गया टी के माइनस 273.15 अपॉन में 100 है ना, इक्वल टू टी एफ माइनस 32 होल अपॉन में 180 इक्वल टू टी आर अपॉन में 80, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपको कहा जाए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक एग्जाम्पल ऐसे देता हूं आपको समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर इन सेल्सियस गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस, बताइए इसका फारेनहाइट कितना होगा, फारेनहाइट में कितना होगा, तो किसमें टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में और किसमें पूछ रहा है, तो बस सेल्सियस उठा लेना और फारेनहाइट उठा लेना, दोनों को आपस में बराबर रख लो, ऐसे लिख लेना TC अपॉन में 100 इक्वल टू टी एफ माइनस 32 अपॉन में 180, तो TC की वैल्यू कितना केवल ऊपर 50, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 100 इक्वल टू टी एफ माइनस 32 अपॉन में 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, एक जीरो से यहां भी कैंसिल करो, कैंसिल कर लिया, कितना बचा आपके पास जल्दी बताओ, कितना हो गया 18 × 5 = 90, 90 इक्वल टू टी एफ माइनस 32, इसको इधर भेज दो फारेनहाइट पे कितना आ गया 90 प्लस 32 कितना आ गया 122 फारेनहाइट आ गया कन्वर्जन, नहीं समझ में आया सबको आया। उसी तरीके से अगर हम बोले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल आपके पास गिवन है मान लेते हैं 100 या 10 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन पूछे, तो किनको किनको आपस में इक्वेट करोगे, केल्विन को और इसको, तो क्या होगा जल्दी बोलो, टी सी अपॉन में 100 इक्वल टू हो जाएगा टी के माइनस 273.15 अपॉन में 100, पहले 100 से 100 क्या करो काट लो, टी सी की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू हो गया टी के माइनस 273.15, बताओ टी के की वैल्यू कितनी हो गई 283.15 केल्विन, कितना आसान है बात समझ में आ रहा है, तो एक दिया हो दूसरे में आप निकाल सकते हैं, फटाफट ये फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से, एग्जांपल भी नोट कर लो।